मृदान लेखपाल की मिली भगत से अवैध ढंग से बंद रही दुकानें, पीड़ित ने जिलाधिकारी से लगाई न्याय की गुहार। चित्रकूट के भरतकूप कस्बे में प्रधान व लेखपाल की मिली भगत से निजी भूमि पर जबरन सरकारी भवन बनाया जा रहा है। पीड़ित ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर भवन गिरवाने व सरकारी धन का अपव्यय करने पर प्रधान से वसूली की मांग की है। शुक्रवार को भरतकूप कस्बे के रजत प्रताप सिंह पुत्र स्वर्गीय उदय भान सिंह आदि ने जिलाधिकारी को सौंपे पत्र में कहा कि अकबरपुर ग्राम पंचायत में सरकारी राशन की दुकान और जनसेवा केंद्र के भवन का निर्माण हो रहा है। 6 जुलाई को भूमि पूजन हुआ था। उन्होंने कहा कि जिस खड्डा संख्या 817 में निर्माण हो रहा है उसका रकबा 0.20 हेक्टेयर है। उसका आकार नक्शे के अनुसार त्रिभुजाकार का है, जबकि निर्माण वर्गाकार हो रहा है, जिसमें पीड़ित की भूमि घाटा संख्या 816 को भी अवैध ढंग से लेकर निर्माण किया जा रहा है। पीड़ित ने निष्पक्ष ढंग से पैमाइश कराकर अपनी भूमि को खाली कराने की मांग की है। पीड़ित ने कहा है कि ये भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग 35 से लगी हुई बेशकीमती भूमि है। ऐसे में अवैध कब्जा होने पर पीड़ित की भारी हक तल्फी होगी। पीड़ित ने जिलाधिकारी से मांग की है कि उसके साथ हो रहे घोर अन्याय को तत्काल प्रभाव से रोका जाए और अवैध ढंग से उसकी जमीन पर निर्माण करा रहे प्रधान से सरकारी धन का अपव्यय करने की वसूली की जाए। वहीं इस मामले में खंड विकास अधिकारी चित्रकूट धाम करवी आस्था पांडे ने कहा कि मनरेगा से अकबरपुर गांव में 2 दुकानों के निर्माण का प्रस्ताव था, जिसकी लेखपाल द्वारा ग्राम सभा की जमीन पर नाप कर प्रधान से निर्माण के लिए कहा गया था। शिकायत मिलने के बाद जानकारी लेने पर बताया कि भूलवश प्रधान ने नापी गई जमीन से ज्यादा पर निर्माण कराया है, जिसको तत्काल रोकने के आदेश दिए गए हैं। बावजूद इसके निर्माण कार्य अभी भी जारी है। पीड़िता ने प्रशासन से तत्काल प्रभाव से उनकी जमीन पर निर्माण का रुकवाने की मांग की है। ये जो निर्माण हो रहा है सरकारी दुकानें आई हैं, 2 दुकानें, एक FPS गल्ला के लिए और एक जनसेवा केंद्र, उन दुकानों का निर्माण होना है। जिस जमीन पे निर्माण होना है वो त्रिभुजाकार जमीन 817 नंबर जमीन है, वो 20 एयर की जमीन है, वो भी त्रिभुजाकार। इसके पीछे हमारी 816 नंबर आता है। इस ग्राम सभा में जो बीच मंदिर रोड से 330 फुट के बाद एक ग्राम सभा का नंबर शुरू है, उस 330 फुट में 15 फुट का घर बना है सोना साहू का। ग्राम सभा की जमीन में 15 फुट सोना साहू का घर बना है। उस 15 फुट को घर के बाद 25 फुट इन लोगों ने खाली छोड़ दिया है। तो त्रिभुजाकार में जो मेन चौड़ाई थी ये लोग आगे छोड़ चुके हैं। इसके बाद जो ये निर्माण हो रहा है ये 9x8 मीटर पास हुआ है, 2 दुकान इसमें निर्माण हो रहा है, 3 दुकानों का, 2 दुकान से अलावा एक 4.5 मीटर का अलग से बन रहा है। 9x8 मतलब टोटल 12 मीटर में निर्माण हो रहा है, पास हुआ है 9x8 मीटर, 12x12 में ये निर्माण कर रहे हैं। इनका ये जो ये पिलर है, इनका जो ये वाला पिलर है ये पिलर सही है, इसके बाद ये जो पिलर है ये गलत पिलर बना है, क्योंकि त्रिभुजाकार जमीन जाती है, तिरछी जाती है, तिरछी के कारण ये जितना पीछे का निर्माण है ये 816 में है और ये जो आगे 2 पिलर के बाद निर्माण है ये ग्राम सभा में है। तो जितनी ये आगे ग्राम सभा की ले रहे हैं उतनी ही ये पीछे हमारी 816 में भूमिधरी में बना रहे हैं। इस चीज़ को हम लेखपाल को बताते हैं तो वह हमारे मौजूदगी में नाप करने नहीं आता। DM साहब, SDM साहब को बदनाम करने से कि DM साहब कह रहे हैं तो बन रहा है, DM साहब कह रहे हैं तो बन रहा है, नायब साहब कह रहे हैं तो बन रहा है, बल्कि उनको आज तक ना DM साहब यहाँ नाप करने आए, ना ही DM साहब नाप करने आए, ना ही नायब साहब नाप करने आए। ये स्वयं अपना नाप के खाली दुकानें नाप के चला जाता है कि इतने में इतना पास हुआ, इतना इतना बन रहा है, ज़मीन नहीं नाप रहा है कि कितनी ज़मीन है। कहाँ शिकायत की आपने? हमने DM साहब पास शिकायत की है, SDM साहब पास शिकायत की है, नायब साहब पास गए हैं, नायब साहब ने ये तक कहा है कि जो भी एक्स्ट्रा बन रहा है उसको गिरवाओ, उसको भी नहीं हटा रहे हैं। करीब कितनी ज़मीन में आपके कब्जा कर लिया गया? हमारी ज़मीन में आप ये समझ लीजिए कि ये 12 मीटर पीछे पीछे की ओर लंबाई में और गहराई में कब्जा किए हैं 10 फुट रोड साइड गहराई में, अब पीछे 12 मीटर त्रिभुजाकार अगर ले लिया जाए तो जितना ये आगे बना उतना ही पीछे हमारे कब्जा कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम रजत प्रताप सिंह है, मैं भरतपुर अकबरपुर बाग तहसील का भी जिला चित्रकूट का रहने वाला हूँ। अकबरपुर में जो राशन दुकान बनाई जा रही है और जनसेवा केंद्र, उसमें एक ग्रामीण ने दावा किया कि उसकी निजी भूमि में बनाया जा रहा है, क्या मामला है? मामला ये है कि मनरेगा के तहत FPS जो फेयर प्राइस शॉप है ये बनाई जा रही है, तो इसमें लेखपाल साहब ऑलरेडी नाप कर चुके थे,
जितने में एक बार शाम में नाप करी थी जितनी ग्राम सभा की भूमि थी उतने में ही आदेशित था कि इनको अपनी एफपीएस शॉप का निर्माण कराना है ग्राम पंचायत को। अब वो भूलवश या त्रुटिवश जो है जो भी वो ग्राम प्रधान जी के द्वारा थोड़ी बढ़वा दी गई है, अब ग्राम प्रधान जी द्वारा या फिर मतलब जो भी बना रहे थे उनके द्वारा बढ़ा दी गई है, तो उसमें यह भी आदेशित हो गया है और इनको बोल दिया गया है, सचिव को टीए को सबको बोल दिया गया है कि जितना अनुमान्य था जितना लेखपाल ने ग्राम सभा की भूमि नापी थी उतने में ही बनेगी और बाकी का जितना एक्स्ट्रा हिस्सा है वो सबको हटाना पड़ेगा। Rajiv Academy for Technology and Management, 7th rank of MBA by AKTU, assured placements among top-notch global companies, regular workshops, training programs, seminars and guest lectures, frequent industrial visits for practical exposure, systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills, a lively campus life, cultural and sports events and extracurricular activities, highly qualified faculty members, multimedia classrooms and state-of-the-art AC infrastructure amidst lush green enthralling ambience.